नया फितना पाकिस्तान में मुसल्लत होने लगा है, वो एक नया फितना नालायक जाकत नालायक वो आने लगा है। तो उससे किसी ने पॉडकास्ट में पूछा, उसने कहा जी आप क्या कहते हैं इन फिरकों के बारे में, उसने कहा जी कुरान में तो कोई फिरका है ही नहीं, जी कुरान में तो मना किया गया फिरके में ना बटो। मैंने कहा असल में तुम बगैर उस्तादों के बगैर माँ बाप के, जो बच्चा बायो केमिस्ट्री फिजिक्स उस्तादों के पास पढ़ा हो ना कामयाब वो होता है, घर में बैठने वाला कभी कामयाब नहीं होता। बताएं क्या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश इकोनॉमिक्स बगैर स्कूल कॉलेज और उस्ताद के समझ आती है? घर बैठे बैठे कोई कभी मास्टर कर रहे? सिर्फ दीन ऐसा है कि जो कुत्ता उठकर स्लीपर पर चढ़ जाए कहे मैं दीन की तर्जमानी मैं करने के लिए आ गया। दीन के लिए भी तो उस्ताद जरूरी है, मदरसा जरूरी है, ग्रामर जरूरी है, सरनाम जरूरी है, वो कुरान हदीस पढ़ना जरूरी है, वो बगैर उस्ताद के आ जाता है। इसलिए तो जाए बैठ गए यूट्यूब के ऊपर और कहते हैं जी कुरान और सुन्नत कुरान और सुन्नत। भाई कुरान का कुरान होना कहां से साबित है कि ये कुरान है? कुरान का कुरान होना कि ये कुरान है ये कहां से साबित है? तुम कुरान कुरान की बातें करते हो कि हम कुरान के अलावा किसी को नहीं कुरान, भाई ये तो साबित करो कि ये कुरान है, कुरान में से दिखाओ। कुरान का कुरान होना भी नबी की जबान से साबित है, हदीस से। पांच ऐसे आई इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमा अल इंसान व अल्लमा अल आलम। जिब्रील ने हुजूर को सुनाया, मेरे आका ने मक्के के लोगों को सुनाया, मक्के वालों ने कहा हुजूर ये क्या है, उनको तो नहीं पता था ये क्या है। मैंने कहा हुजूर ये क्या है, हुजूर ने फरमाया ये कुरान है। ये छठा लफ्ज हदीस है, कुरान नहीं है। कुरान का कुरान होना भी मेरे नबी की जबान से साबित है। कायनात की सबसे बड़ी इबादत तौहीद नहीं है? तौहीद होती तो लिखा होता कुरान में हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु। सबसे बड़ी इबादत तौहीद भी वो है जिसमें हुजूर हो। क्यों? हिक है हिक है हिक दी दम दम सिख है, जेड़ा हिक को रू कर जाने काफिर दे मुशरिक है। मुहम्मद मुहम्मद करें दे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलें दे गुजर गई, खुदा को डिठो से मुहम्मद देओले मुहम्मद मुहम्मद पकें दे गुजर गई। हकीकत मोहम्मद पाक कोई नहीं सकता। आज बकवासे करते हैं दो नंबर मौलवी और पीरों को हुजूर के मुकाबले मिलाते हो आप लोग, मेरे आका का मुकाबला तो जनाब इब्राहिम भी नहीं कर सकते, तेरे पीर की क्या औकात है? इनको मुंह धोना भी नहीं आता, वो हुजूर के मध्य मुकाबले आ गए। तुम्हारे 10, 20, 25, 40 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ हाथ चूमने वाले क्या हो जाए, तुम सरकार के मुकाबले करने लग जाते हो। जिनके दर का दरबार है जिब्रील आजम, सारे ऊंचो में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। टोपियां थाम कर दर अर्श बरी को देखें। इमाम हसन बरेली फरमाते हैं अगर सारे नबी अपनी टोपियों पर हाथ रखकर अर्श बरी को देखें, ये सात आसमानों को नहीं अर्श बरी से शुरू करें देखना। कहते हैं टोपियां थाम कर अगर अर्श बरी को देखें, ऊंचे ऊंचों को नजर ना आए रिफत तेरी। ऊंचों ऊंचों को भी मेरी याद। कुरान की आयत है, मैं बात की तरफ वापस आता हूँ, मैं आपको हुजूर की शान सुनाई ना हूँ। 50 अल्फ़ सना है कुरान में, कमत कदिल कितने साल का होगा? 50,000 साल का। सरकार की हदीसें हैं, हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला आधे दिन के अंदर 24 घंटों में से आधा वक्त जितने अल्लाह इतनी देर के अंदर अंदर सारी मखलूक का हिसाब ले लेगा, वो इस चीज पर कादिर है। फिर हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया दो नमाजों के दरमियान जितना वक्त होता है, उस वक्त के दौरान जितना वक्त लगता है, उस वक्त के अंदर अंदर अल्लाह पूरी मखलूक का हिसाब ले लेगा, मतलब 5 घंटे या 6 घंटे। फिर मेरे आका का फरमान है, हुजूर ने फरमाया जितना एक नमाज पढ़ते हुए वक्त लगता है अल्लाह उतनी देर में सारी मखलूक का हिसाब ले लेगा, वो इस चीज पर कादिर है। 50,000 साल का दिन जो होगा आधे घंटे में भी हिसाब हो जाए, 12 घंटे में लगा दें या 6 घंटे में कर लें, ये बाकी वक्त में क्या होगा? बाकी वक्त में क्या होगा? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हकीम उल उम्मत आप फरमाते हैं 49,999 साल 11 महीने 29 दिन 18 घंटे अल्लाह अपने महबूब की शान बयान करेगा। इतनी शान है मेरे आका की,
आज हम उठकर हुजूर के बारे में बकवास करने लग जाते हैं, हुजूर के दीन के बारे में। हुजूर इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ अपने रब के मोहताज है, और पूरी कायनात रब की भी मोहताज है, रसूलुल्लाह की भी मोहताज है। इस वजह तो अपनी सोचों को बदलें, अपनी फिक्र को बदलें, अपने आप को बदलें। इकबाल कहते हैं, हुजूर की इज्जत के पहरे, हुजूर की इज्जत पर पहरे के लिए, खत्म नबूवत के पहरे के लिए जो सरकार की आमद के नारे लगाते हैं वो खड़े नहीं होते। मिलाद मनाते हैं, जब मिलाद वाले की इज्जत पर डाका पड़े वहां नहीं बोलते। कुरान पढ़ते हैं, कुरान के नाम पे खाते भी हैं, कुरान के नाम पे पगड़ियां भी सलामत, कुरान के नाम पे इज्जतें भी सलामत, कुरान के नाम पे मदरसे भी। जब कुरान को आग लगाई जाए तो कोई एक भी खड़ा नहीं होता कुरान के लिए बोले। झंडियां पूरे पाकिस्तान में लगाई, लाइटें भी जलाई, जुलूस भी निकाले, ईद मिलाद नबी के मिलाद भी पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, चप्पे चप्पे कोने पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लंगर भी पक रहे हैं, बरियानियां भी पक रही हैं हुजूर के नाम पर। बताएं बंदा ईद मिलाद नबी मनाए, महीना खत्म हो या ईद मिलाद नबी की महफिल खत्म हो और बंदा खतीब की तकरीर भी सुने, कुरान भी सुने, हदीस भी सुने, फिर यहां से निकले जाकर खड़ा हो जाए खत्म नबूवत के गद्दारों के साथ, तो बताओ वो मिलाद में जाना और वो मिलाद करना कबूल है? भाई रब को वो अपना घर भी नहीं कबूल, मस्जिद, जिस मस्जिद के अंदर हुजूर की इज्जत की बात ना हो, खत्म नबूवत की बात ना हो, रब को वो रब अपना घर भी नहीं कबूल। जिस मस्जिद में नमाज हो, सजदा हो, दरूद हो, जिक्र हो, उस मस्जिद में सुभान रब्बी अल्आला, सुभान रब्बी अल्अज़ीम भी पढ़ा जाए, वहाँ तौहीद भी बयान की जाए, दुरूद भी पढ़ा जाए, लेकिन वहाँ हुजूर की इज्जत की बात ना हो, खत्म नबूवत की बात ना हो, उस मस्जिद को आग लगवाना रब की सुन्नत है, लगाना हुजूर की सुन्नत है। हमारे शाह साहब आपके फैसलाबाद के थे, सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब, वो फरमाया करते थे कि सुन्नी मौलवियों को सिर्फ कुरान के चार से पांच ऐते आते हैं, कद जाअ मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून बरफ़ाना लक ज़िक्र। इन्होंने कभी कौम को नहीं बताया वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। महबूब जब आप दुनिया में तशरीफ ले गए, जब आप चले गए, जो हमने आपको कुरान दिया, जब आप आ गए, अब आपके होते हुए मूसा का निजाम नहीं चलेगा। जब आप आ गए, आपकी किताब कुरान के होते हुए तौरात नहीं चलेगी, अलग है वो भी अल्लाह की किताब है। आपके कुरान के होते हुए जबूर भी नहीं चलेगी, इंजील भी नहीं चलेगी, मनसूख हो गया सब। अब क़यामत तक आपका कुरान चलेगा, आपके कुरान की हुकूमत चलेगी, इसकी को खत्म कर दो। आपके कुरान की हुकूमत चलेगी, कुरान का निजाम चलेगा। महबूब जब आप आ गए, मूसा का निजाम भी खत्म, ईसा का निजाम भी खत्म, दाऊद का निजाम भी खत्म। अल्लाह ने अपने महबूब के होते हुए अपने नबियों का निजाम नहीं चलने दिया, ना जनाबे मूसा का, ना जनाबे ईसा का, ना पिछले नबियों का। यार रब ने जब अपने नबी के महबूब के होते हुए किसी नबी का निजाम नहीं चलने दिया, मनसूख कर दिया, फिर आज मुसलमान कलमा पढ़कर हुजूर के निजाम के मुकाबले में इमरान नवाज़ ज़रदारी का निजाम कैसे ले जाए?